इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस सबको पता है, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी इज इक्वल टू, अगर मैं एन आर टी लिख भी दूं तो आइसोथर्मल में राइट हैंड साइड पूरे का पूरा कॉन्स्टेंट है, तो पीवी क्या है? कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है। तो ये गैस की क्या है? इक्वेशन है। तो आइसोथर्मल गैस की इक्वेशन है, पीवी इज अ कॉन्स्टेंट। तो लिख सकते हैं ये प्लीज, आइसोथर्मल गैस की इक्वेशन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 के साथ हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।